नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ये बार भी ले आइल बानी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल हो तमाम खबर के जो जनला का बाद रहो सबके बहुत खुशी होगी। खबर बताएं ओकरा अंत में हम एगो मैसेज बताएं जे केहू स्टार से जुड़ल हो सकेला जे ओ लोग के फैन भेजल है। तो शुरुआत कर जाओ आजान लेवे के पहला खबर जे जुड़ल बाटे चिंटू से। आजकल हर ओरी हर जगह चिंटू के चर्चा चलता, कभी फिल्म खातिर तो कभी हीरोइन खातिर। आम्रपाली जैसन सुपर हिट एक्ट्रेस पवन खेसारी का बाद अब चिंटू के साथ भी नजर आई बड़ी, ई दवा लोग जनबे करी ले। लेकिन अब पवन सिंह के लूलिया भी यानी कि निधि झा भी चिंटू के साथ नजर आई बड़ी, वो लीड रोल में। हाल ही में चिंटू का एगो फिल्म रिलीज होके जाता जिमें हीरोइन का रूप में चिंटू का साथ है निधि झा नजर आई। बाकी खबर जाने खातिर देखे के पड़ी ई रिपोर्ट। आपको याद होगा कि अंजलि फिल्म्स क्रिएशन के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म माई रे माई हमरा ऊहे लड़की चाही के फर्स्ट लुक अष्टमी के शुभ अवसर पर मुंबई में जारी किया गया था। लेकिन हाल ही में इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर प्रदीप पांडे चिंटू रोमांस का डबल डोज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल कुछ समय पहले ही इस फिल्म का एक और पोस्टर आउट हो चुका है जो दर्शकों के लिए एक खास तोहफा हो सकता है। इस पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें प्रदीप पांडे चिंटू के साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रीति ध्यानी नहीं बल्कि लूलिया गर्ल निधि झा नजर आ रही है, जिससे अब दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू ने बताया कि सामाजिक पारिवारिक जोनर की इस फिल्म में धमाल मस्ती और एक्शन का एक नया फ्यूजन दर्शकों को मिलेगा। फिल्म काफी एंटरटेनिंग है। सुपर डुपर हिट ससुराल के बाद चिंटू एक बार फिर माई रे माई हमरा ऊहे लड़की चाही जैसी कमर्शियल फिल्म लेकर आ रहे हैं। पिछली फिल्म की सफलता से रोमांचित चिंटू कहते हैं कि फिल्म माई रे माई हमरा ऊहे लड़की चाही में जो एक चीज बेहद खास देखने को मिलेगी वो है रोमांस। बता दें फिल्म की शूटिंग गुजरात और मुंबई में हुई है और ये फिल्म जल्द ही पर्दे पर दस्तक देने वाली है। तब चिंटू के फिल्म माई रे माई हमरा ऊहे लड़की चाहेंगे रिलीजिंग के खबर पता ना कब से चला था, अभी ले रिलीज नहीं के भाई, लेकिन सुने में आयल रहल बा कि जल्द ही फिल्म रिलीज होके वाला बा सिनेमा घर में। लेकिन कब एकर इंतजार सबके रही। इंतजार का साथे बढ़ल जाओ आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे पवन से। जी हाँ, पवन का साथे खेसारी जब से दोस्ती के हाथ बढ़ावले बढ़ावन तब से दोनों लोग एक दूसरा के तारीफ करत तारीफ के कसीदा पड़त नजर आ रहल बने लोग। ए लोग के फिल्म के मुहूर्त हाल ही में भइल बा, एगो खेसारी फिल्म मुहूर्त में पहुँचल रहल जर नाम बटे जुनून। तब हुए दूसरा तरफ पवन सिंह पार्टी करत नजर अलन अकेला, दोनों अलग अलग लोग नजर आए लोग। लेकिन खेसारी जब फिल्म के मुहूर्त में पहुँचलन तो अपन दोस्ती का बारे में आ पवन सिंह का इतना ज़्यादा तारीफ कैलें पवन सिंह खातिर। तो हम ले आई बनी ओ खेसारी के एगो वीडियो जैमें वो पवन खातिर एगो बहुत अच्छा बात कहले बड़े, वो सब देखी ई वीडियो। ये नया वायरल थोड़ी हुआ है, मोहब्बत हर बार वायरल हुई है और हमारी मोहब्बत है, हमारी आस्था है वो। और जहाँ तक पवन सिंह का नाम है तो पवन सिंह दुनिया के लिए कलाकार हो सकते हैं लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं वो। और इस इंडस्ट्री में जितने लोग मेरे दिग्गज, मैं उनका फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मैं दिनेश भैया की फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मनोज भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ, रवि भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं तो देखिए विवादें क्या होती है उससे हम लोग को, आज भी हम वही भाई हैं, कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही रहेंगे। अब पब्लिक को एक इंटरेस्ट मिलता है कि उनको लगता है कि नहीं ये बिछड़े हुए भरत मिलाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बीच में हम बहुत बार मिले थे लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाए थे, इस बार किसी ने फ़ोटो खींच कर डाल दिया। लेकिन बीच में हमारी बहुत बातें हुई थी, हम लोग घर पर भी, मैं भी उनके घर पर गया हूँ, वो शूटिंग की वजह से मेरे बर्थडे वड्डे में नहीं आ पाए हैं क्योंकि अब आउटडोर रहते थे तो मैं उनको प्रेस भी नहीं क्या बोलते हैं प्रेस का प्रेशर नहीं बना पाया। तो मैं प्रेशर किसी का काम छोड़कर कब प्रेशर नहीं, इसलिए क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है। तो
तुम्हें प्रेशर नहीं बनाया, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आइंदा कोई भी फंक्शन, मैं कल जाने वाला था परसों, लेकिन थोड़ा सा मेरे बेटे का तबीयत खराब था, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा घर पर। तो फैमिली है मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। और पवन भैया आज भी मेरे दिल में है, आजीवन मेरे दिल में रहेंगे, और मेरे बड़े भाई हैं। और मोहब्बत को वायरल होने दो पगले, मोहब्बत वायरल नहीं होगी तो ये दुनिया में इतिहास कैसे बनेगा। और हम भोजपुरी समाज के सब एक हैं, हमारे बीच कोई विवाद नहीं होती, हम एक परिवार से हैं, और परिवार में अनबन हर आदमी से होता है। यहाँ तक कि जीवन साथी जो जिसको हम वाइफ बोलते हैं उसके साथ हमारा अनबन हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है जे अनबन होता है तो दो दो साल नहीं बात होती है, दो दिन में वो पराठा बना के खिला देती है तो दो दिन में फिर ठीक हो जाता है कि चल भाई गरम गरम फरा। तो खेसारी, आप पवन के दोस्ती जब एगो फिल्म के लेके सवाल कल गए उनका से कि खेसारी का साथ है कि पवन एक बार कहले रहे कि तीनों लोग बहुत जल्दी एक फिल्म में नजर आई लोग, तो खेसारी ये बात पर हालांकि कुछ बयान नहीं खे दिले, लेकिन पवन सिंह के तारीफ करत नजर आये बाने, पहलहू करत रहे हों, लेकिन अब खुल के सामने आ गए बस सब कोई का सामने कि दोनों लोग के दोस्ती पहले से ही रलक है, लेकिन मिल ना पावत रहे लोग दोनों लोग। लेकिन फिलहाल बढ़े के आगे जान लेंगे अगला खबर जो पवन के स्टेज शो से जुड़ल बा। पवन भोपाल में एगो स्टेज शो कैले बढ़े आ उमे इतना भयंकर भीड़ देखे के मिलल बा कि का कहल जाओ, ऊपर से पवन सिंह के कपड़ा पर पूरा भोपाल चमकत रहे। देखी रिपोर्ट। भोजपुरी राजा पवन सिंह के जलवा ए बार सिर्फ बिहार और यूपी में ना बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखल गयी। जी हां, पवन सिंह के कल पवन सिंह के अपन इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कैनी है, जिसके साथ वो अपन दर्शक लोगन के बात के जानकारी देले बनी कि कल उनकर भोपाल में स्टेज शो रहल और वो काफी ज्यादा धमाकेदार भी भइल। वहां भी दर्शक लोगन के पवन सिंह के गाना के काफी ज्यादा पसंद कैल गेल और वहां भी उनकरा के खूब प्यार मिलल। वैसे पवन सिंह जे तरह से अपन स्टेज शो पर अपन गाना से दर्शक लोगन के झूमे खातिर मजबूर कर देनी, ठीक वही तरह से पवन सिंह अपन फिल्म से भी दर्शक लोगन के दिल जीत जाले। और पवन सिंह के इस साल में वांटेड, माँ तुझे सलाम और लोहा पहलवान के साथ एगो नया फिल्म भी के आगाज भी हो गेल बा। जे फिल्म के नाम हा मैंने उनको सजन चुन लिया। जे फिल्म के पहला पोस्टर 31 जनवरी के रिलीज कर देवल गेल बा। एके साथ ही पवन सिंह इस समय पर अपन फिल्म माँ तुझे सलाम के शूटिंग करत बाड़े। अब देखिए, भोपाल जैसन शहर हो खो, मुंबई हो खो, दिल्ली हो खो, पवन का नाम से केहू अछूता नहीं के रहगल। जहाँ बा पवन स्टेज शो करेले जो भोजपुरी नानू जानेला ऊहो आ जाला, तब बहुत बड़ा बात बा। पवन सिंह के फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बा कि जहाँ बा आजकल वो स्टेज शो करत अरे हद से ज़्यादा भीड़, मने हद से ज़्यादा भीड़ देखे के मिला था। बढ़ल जाओ आगे जान लेवे के अगला खबर इहो पवन से जुड़ल बा। पवन के एगो होली गीत हाल ही में रिलीज भइल बा वेब म्यूजिक से। एक गाना के सिर्फ एक ही दिन में 300,000 लोग देख चुकल बा। होली में आग लगल करके कुछ बोल बा गाने के। ऐसे पहला से गाना रिलीज भइल रहे अक्षरा सिंह के साथ बबुआन के जान हो करके एगो गाना रिलीज भइल रहल हा जो ट्रेंडिंग में रहे। लेकिन ई गाना का कमाल दिखाई ई जाने खातिर देखे के पड़ी ई रिपोर्ट। भोजपुरी राजा पवन सिंह के आज अभी होली के एक नया गाना सोशल मीडिया पे रिलीज कर देवल गेल बा। जे गाना के नाम हा होली में आग लागल। जी हाँ, जे गाना के यूट्यूब चैनल पर 1 फरवरी के रिलीज कर देवल गेल रहे, तब वही रउआ लोगन के ए गाना के जरूर सुनी। जी हाँ, वैसे रउआ लोगन के भी बता दी कि पवन सिंह के साथ एक गाना के प्रियंका सिंह भी गेले बाड़ी। वैसे ऐसे पहले पवन सिंह के एक और नया एल्बम होली के सोशल मीडिया पे रिलीज कर देवल गेल रहे, जे गाना के बोल रहल होली हिंदुस्तान के। और अभी तक एक गाना के सोशल मीडिया पे लाखों से ज्यादा बार सुन लिहल गेल बा। वैसे अगर हम नया साल के अब तक के कई गाना आ गेल बा पवन सिंह के, और पवन सिंह के साल 2018 के अब तक के जितना भी गाना आयल बा उस सारा गाना दर्शक लोगन की काफी ज्यादा पसंद आ रहल बा। और ये सोशल मीडिया पर भी पवन के गाना के काफी अच्छा व्यूज मिली। वैसे रवो लोगन बता दी कि अब पवन सिंह के गाना के साथ साथ दर्शक लोगन उनकर फिल्म के भी आवे के इंतजार कर रहल बानी, और पवन सिंह के जल्दी कोनो नया फिल्म ए नया साल पे रिलीज होके के चाही। एक के साथ ही रवो लोगन के बता दी कि पवन सिंह के बहुचर्चित फिल्म वांटेड ही जल्द रिलीज होके वाला है। तो ई रहे आज के कुछ ताजा खबर। जाए के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले बताएं आखिरी मैसेज जे भेजले बड़े राम गोपाल राय। ये लिखा तारे, आप बहुत क्यूट हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, दिन रात आपको देखता रहता हूँ, मुझसे जरूर मिलना एक बार। तो अगर वो हमरा से मिलल चाहतानी तो ये जे स्क्रीन नंबर पर जा रहल बा उपे मैसेज कर सकतानी, हमरा लगे पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करे खातिर।
तो चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले कहल चाहिम कि नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करल मत भूलेम लोग, आ सही मैसेज करत रही, बहुत अच्छा मैसेज करें ताकि हम अगला एपिसोड में राउर मैसेज ले सकें। लेकिन तब तक खातिर दी ही इजाजत, प्रणाम।